अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ मुजफ्फर बशीर खान। टुडे वी विल डिस्कस एक्सपेरिमेंट नंबर 7 पार्ट 2। द एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमिन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज और केन शुगर सॉल्यूशन बाय लॉरेंट हाफ शेडेड पोलरीमीटर। इन दिस लेक्चर we will discuss its observations, calculation, result and some important questions of Weber or theory. Observations include, first of all we will find concentration of the solution by measuring mass of the sugar and volume of the distilled water. After mixing the measured mass of sugar with the volume of the distilled water, we can find concentration C of the solution. Next, temperature of the solution. We normally take room temperature. Next is their wavelength of sodium light. It is 5893 angstrom. Length of polarimeter tube, that is variable, we will find its value. Yes, number of deviations on vernier scale and smallest reading on the main scale is here 1 degree, that is equal to 60 minute, and number of deviations on vernier scale equal to 10. By using these two values we can find least count of polarimeter, that is equal to 60 minute by 10 is equal to 6 minute. Formula of least count is here smallest reading on main scale divided by total number of deviations on vernier scale. 60 minute over 10, that is equal to 6 minute. Reading on the circular scale with distilled water in a polarimeter tube, these are alpha 1 and alpha 2 on both sides, and from here we can find alpha is equal to alpha 2 minus alpha 1. In this table we will find concentration of solution, mass of the sugar in 100 centimeter cube of water, distilled water. First time we take 20 gram, then take 10 gram, then take 5 gram, then take 2.5 gram of sugar. After mixing we can find concentration of the solution, that is 20 by 100, 10 by 100, 5 by 100 and 2.5 by 100. We will find the vernier reading with this solution one by one. First we will find 20% solution, उसके लिए find करेंगे beta 1 और beta 2. Beta 1 और beta 2 ये वो values है हमारे पास हैं जहाँ पर जाकर darkness दोनों side पे equal हो जाती है in the polarimeter tube. फिर बीटा वन और बीटा टू को हम यूज करके उसका फाइंड कर लेंगे मीन मीन रोटेशन. बीटा इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू ओवर टू. जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड यहाँ पे जो रोटेशन आएगा वो आएगा थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा. जो अल्फा हम पहले फाइंड कर चुके हैं फॉर डिस्टिल्ड वाटर, और जो बीटा हमने फाइंड करना है फॉर शुगर सॉल्यूशन, उनको ले लेंगे डिफरेंस, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा अल्फा माइनस बीटा. ये थीटा की वैल्यू और जो हमने पहले लेंथ फाइंड कर ली है प्लेरीमीटर ट्यूब की वो वाली वैल्यू और कंसंट्रेशन जो हम फाइंड कर चुके हैं, हर कंसंट्रेशन के लिए हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड करेंगे एस इज इक्वल टू थीटा ओवर एल सी वाले फार्मूला से. तो आपके पास यहाँ पे 20% और 10% और 5% और 2.5% सोल्यूशन के लिए हमें ये वैल्यूज मिलेंगी, तो फिर इनका हम फाइंड कर लेंगे मीन. तो मीन स्पेसिफिक रोटेशन फॉर केन शुगर सॉल्यूशन ये जो हमने फाइंड करना है ये आ जाएगा, इसका जो होगा यूनिट वो आ जाएगा हमारे पास डेसीमीटर पर डेसीमीटर, और कंसंट्रेशन के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो इसको हम सॉल्व आउट करके इसका यूनिट लिख सकते हैं, और जो इसकी आएगा स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द केन शुगर सॉल्यूशन वो आएगी हमारे पास
उसकी वैल्यू होती है फारकियन शुगर सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू 52.7 ऑलमोस्ट। तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या करेक्ट है या उसमें कुछ एरर है। तो हम एक्चुअल वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू को अपने जो आपने मेजर की उस वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो हम फाइंड कर सकते हैं कि एरर है या नहीं है। फिर हम रिजल्ट को लिख देंगे इस फॉर्म में कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द शुगर सॉल्यूशन एट टेम्परेचर जो हमने फाइंड किया उस टेम्परेचर के ऊपर कितनी है, तो इसको रिजल्ट की फॉर्म में लिखेंगे। और हम ग्राफ भी ड्रा करेंगे बिटवीन कंसेंट्रेशन सी एंड रोटेशन एंगल थीटा, दैट ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ ये शो करता है कि जैसे जैसे आप कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रोटेशन एंगल बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम वैव यूज कर सकते हैं, व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये फिनोमेना है जिसमें हम अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ऑप्टिकल रोटेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन, व्हेन अ प्लेन पोलराइज लाइट इज पास्ड थ्रू सर्टन क्रिस्टल द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज रोटेटेड विच इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन। प्लेन जो है पोलराइजेशन का वो रोटेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये रोटेशन कहलाती है ऑप्टिकल रोटेशन, एंड दीज क्रिस्टल आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव क्रिस्टल्स। व्हाट इज पोलरीमीटर, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल, दैट्स कॉल्ड पोलरीमीटर। इसकी मदद से हम फाइंड करते हैं कि प्लेन की रोटेशन कितनी हुई है, ये डिवाइस कहलाता है पोलरीमीटर। व्हाट इज मीन बाय लॉरेंट हाफ शेडेड डिवाइस, इट इज क्रिस्टल प्लेट विच प्रोड्यूसेस अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेज ऑफ सोडियम लाइट ऑन पासिंग थ्रू इट। व्हाट इज निकोल प्रिज्म, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड फ्रॉम कैल्साइट क्रिस्टल यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एंड एनालाइजिंग द प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए एक डिवाइस है, दैट्स कॉल्ड निकोल क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म। नेक्स्ट इज देयर, व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन, इट इज डिफाइंड एज एंगल ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट ट्रेवर्सेस 1 decimeter length of solution of unit concentration at the given temperature। अगर हम concentration भी unit ले लें और length of the solution भी हम unit ले लें तो जो rotation या जो angle of rotation produce होगा उसको हम specific rotation कहते हैं। Next is here, what are polarizing sheets? कमर्शियल पोलराइजिंग मटेरियल इज कॉल्ड पोलराइड और पोलराइजिंग शीट। दीज शीट्स अलाउ ओनली दोज लाइट वेव्स इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ क्रिस्टल। ये बाकी रेज को रोक लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती हैं पोलराइजिंग शीट्स, और सिर्फ उन रेज को या उन लाइट रेज को वहाँ से पास करवाती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन क्रिस्टल के एक्सिस के पैरेलल होगा, इसकी वजह से ये शीट्स यूज होती हैं टू प्रोड्यूस पोलराइजेशन ऑफ लाइट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।